ये ओपन बॉक्स है भी रहे चेक कर दे ऐसे रख दो हाय एवरीवन, आज हम अनबॉक्स करेंगे सोनी S40R सीरीज को जो है 5.1 चैनल डॉल्बी सिस्टम। तो ये हमने अभी फ्लिपकार्ट के जो बिग बिलियन डेज है उसमें इसको परचेज किया, जिसकी जो रेगुलर प्राइस है वो 27,000 है। तो हमें ये नेट प्राइस मिला 23 का, तो लिस्टिंग प्राइस इसकी थी 25,000 प्लस हमें क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट के बाद ये 23 का हमें मिला। इसमें एक नहीं दो नहीं बहुत सारे इसमें आपको इतने फीचर्स बढ़िया मिलेंगे जिसकी वजह से हमने इसको लिया। और सबसे जो बड़ा इसमें प्लस पॉइंट है उसमें यह है कि वायरलेस रियर स्पीकर्स आपको देखने को मिलेंगे। आप इधर आइए थोड़ा सा, आपको इसके फीचर्स दिखाएं। इसका जो फर्स्ट फीचर है दैट इज डॉल्बी साउंड सिस्टम, उसके बाद इसमें HDMI कनेक्टिविटी, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, USB, HDMI, ARC। ARC का मतलब है ऑडियो रिटर्न चैनल, जिसका मतलब है कि आप अपने LED TV प्रोजेक्टर से डायरेक्ट आप HDMI केबल के थ्रू इसमें साउंड ले सकते हैं, जिसका बहुत बढ़िया आपको इफेक्ट्स मिलते हैं। ऑप्टिकल एनालॉग, जिसमें आपको 5.1 चैनल सराउंड साउंड मिलेगा, और इसके सब ऊपर में पोटेंशियल है 600 वॉट आउटपुट का। और इसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट है जो उसके वायरलेस रियर स्पीकर्स हैं, मतलब आपको सब ऊपर से डायरेक्ट कोई भी वायर नहीं चाहिए, आप वायरलेसली रियर स्पीकर्स को कनेक्ट कर पाएंगे। तो आइए अब इसको अनबॉक्स करें हम और देखें इसके अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। तो आइए इसको अनबॉक्स करें और देखें इसमें क्या क्या आइटम देखने को मिलेगी। तो बड़ी एक अच्छी पैकिंग तो देखने को मिलेगी हमें। तो सबसे पहले हमें देखने को मिल रहा है ये इनका मैनुअल स्टार्टअप गाइड, और इनका एक स्टैंडर्ड रिमोट जो हर सिस्टम के साथ आपको यही देखने को मिलेगा, और साथ में इसकी ये बैटरीज, ये सबवूफर की पावर कॉर्ड, नहीं पावर कॉर्ड नहीं है, आपको HDMI कनेक्टिविटी के लिए कॉर्ड है ये, हाँ दिस इज पावर कॉर्ड। ये दो पावर कॉर्ड मिलेंगी, एक पावर कॉर्ड सबवूफर के लिए है और एक पावर कॉर्ड आपको रिसीवर के लिए मिलेगी जो उसका वायरलेस स्पीकर के साथ काम आएगा आपको। नाइस पैकिंग। तो ये है स्पीकर का जो रिसीवर है जो स्पीकर्स का, और ये आपको मिलेगी ये साउंड बार देखने को। और ये इसके अंदर आपको मिलेगा सेकंड स्पीकर, रियर स्पीकर है ये भी। And this is the second rear speaker. और ये है इसका सबवूफर। तो दैट्स ऑल, ये बॉक्स में आपको यही देखने को मिलेगा। पॉज कर दे कोई बड़ी। तो फ्रेंड्स, हमने इसको कंप्लीट अनबॉक्स कर लिया। तो ये है सबसे पहले आइटम इसकी सबवूफर, तो जिसमें के आपको टॉप पे आपको ये इसके कंट्रोल बटन्स मिलेंगे जो टच से चलते हैं। तो इस फ्रंट में आपको USB कनेक्टिविटी और इसकी मैक्सिमम आउटपुट जो है वो 600 वॉट है। और ये इसकी साउंड बार है जिसमें तीन स्पीकर्स हैं, लेफ्ट सेंटर एंड राइट। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ये है रिसीवर। रिसीवर किस चीज़ का है? ये रियर स्पीकर्स का। तो आप ये बिल्कुल पीछे लगा के इससे कनेक्ट करेंगे तो ये वायरलेसली दोनों स्पीकर इसके बैक साइड में कनेक्ट होंगे, जो वायरलेसली इस डॉल्बी सिस्टम से कनेक्ट रहेगा। और ये हम पहले भी बात कर चुके हैं, ये HDMI केबल,
ये दो पावर केबल, एक सबवूफर के लिए और एक इसके रिसीवर के लिए। तो ये चलो आइए हम इसको अब आपको पीछे से इसके कनेक्टिविटी दिखाएंगे, ये क्या कुछ इसमें कनेक्ट हो सकता है। तो ये आपको पीछे से आपको काफ़ी चीज़ें मिलेंगी। फर्स्ट है ये आपको यहाँ पे पावर कॉर्ड के ऑप्शन है जिसमें आपको इसकी पावर देनी है आपको। और उसके बाद ये है स्पीकर्स की कनेक्टिविटी, जो साउंड बार आपको कनेक्ट करेंगे। फर्स्ट है लेफ्ट स्पीकर, देन सेकंड है सेंटर स्पीकर और थर्ड है राइट स्पीकर। देखिए कितना अच्छा इन्होंने कलर कोड के साथ दिया ताकि किसी भी चीज़ की परेशानी ना हो, इजीली आप समझ पाएँ इस चीज़ को। उसके बाद आपको मिलेगी ऊपर ये कनेक्टिविटी, तीन तरीके की आपको कनेक्टिविटी मिलेगी, एनालॉग, ऑप्टिकल और HDMI टीवी ARC। ARC का एनालॉग ऑडियो रिटर्न चैनल, जिसके थ्रू आप डायरेक्टली आप टीवी से या प्रोजेक्टर से इसको आउटपुट ले सकते हैं इसकी, जिससे बहुत बढ़िया आपको साउंड देखने को मिलेगी। अभी हमने अपने रिसीवर को इंस्टॉल किया है, जो हमने बिल्कुल अपने सबवूफर के ऑपोजिट रखा है। इसकी मैक्सिमम रेंज जो है वो 10 मीटर है, दैट मीन्स 30 फीट तक ये अपने सिग्नल्स को रिसीव करेगा। और हमने दो स्पीकर्स रखे हैं, एक लेफ्ट और एक राइट पे। तो ये दोनों स्पीकर्स इसके बैक साइड में इसको कनेक्ट करेंगे। तो अब देखिए इसके पीछे भी इन्होंने कितना अच्छे से कलर कोड दे रखा है। लेफ्ट के लिए ब्लू कलर है और राइट के लिए ये दूसरा पिंक कलर है। तो फर्स्ट हम कनेक्ट करेंगे अपना लेफ्ट रियर स्पीकर और अब हम कनेक्ट करेंगे राइट रियर स्पीकर। तो आइए अब इसको हम ऑन करके देखें। तो जैसे आप इसको ऑन करेंगे आपको फर्स्ट कनेक्टिविटी दिखाएगा ये टीवी के साथ। तो आपको रिमोट से इसकी कनेक्टिविटी चेंज कर सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपको इनपुट मिलेगी, तो जैसे ही आपको नॉर्मल रिमोट्स में सोर्स मिलता है तो इसमें इनपुट है। तो जैसे आप इनपुट दबाएंगे तो फर्स्ट के बाद आपको ऑप्शन मिलेगी एनालॉग, फिर आपको BT मतलब ब्लूटूथ, देन ये पेयरिंग कर रहा है टीवी एनालॉग ब्लूटूथ USB। तो हम अभी ब्लूटूथ के साथ इसको कनेक्ट करके इसमें साउंड चेक करेंगे। अभी हमने पूरा सिस्टम चेक किया, 600 वॉटेज के सबवूफर के साथ हमने इसकी साउंड चेक करी। साउंड बार, दो रियर स्पीकर, मज़ा आ गया सुन के, लाजवाब साउंड। हम तो बहुत सेटिस्फाइड हैं इसके आउटपुट से और इसकी साउंड से। तो अगर आप भी प्लान कर रहे हैं अपने रूम के लिए, कोई होम थिएटर के लिए, अगर आपका बिग साइज़ रूम है तो आप इसके साथ जाइए। अगर आपका रूम इतना बिग नहीं है, स्मॉल साइज़ है, तो इसका एक लोअर मॉडल आता है S20R, आप उसके साथ भी जा सकते हैं, जिसकी आउटपुट है 420 वॉट। बट उसमें ये है कि उसमें आपको वायरलेस रियर स्पीकर नहीं मिलेंगे, वायर्ड मिलेगा आपको। इस मॉडल के साथ आपको रियर जो स्पीकर है वो वायरलेस मिलेंगे, जिसकी रेंज है अराउंड 30 फीट। तो बहुत लाजवाब मज़ा आया सुन के इसको, बहुत लाजवाब आउटपुट मिली। हमने इसको परचेज़ किया 23,000 में, जो बिग बिलियन डे से में हमें मिला। रेगुलर प्राइस इसका 27,000 है, तो 25,000 इसकी लिस्टिंग थी, क्रेडिट कार्ड यूज़ के बाद हमें 23 का मिला, बहुत इफेक्टिव प्राइस के साथ मिला हमें। अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं तो इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को फॉलो करिए, हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग अस।